India's number one RJ. एक बार फिर बजाओ भाई। दिल्ली में पानी की किल्लत के चलते बउआ ने भी इसी बात पर मजे लिए। कैसे सुनी? हेलो। अरे केसो, पानी आ जाए क्या? नहीं आया। नहीं आया? थोड़ा ही थोड़ा टपक रहा है यार। टपक रहा है। कब आएगा यार, मालूम ही नहीं है। हेलो, कौन? अंकिल नमस्ते। नमस्ते। कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? यार आपसे दो मिनट चाहिए, वाटर टैब में पानी ही नहीं आ रहा है। एक सेकंड। प्लम्बर को कॉल। प्लम्बर करेगा? यहाँ क्यों कॉल कर रहा? क्यों उन लोग को दिक्कत दो यार, इंसान सडम से भी पानी पानी होता है। दो शब्द कुछ दिक्कत दे रहा है। दो शब्द कुछ बोल दो जिससे मेरे को सडम आए और पानी पानी। कैसे पानी आया भैया? नहीं आया, जल्दी पे आ जाओ। हेलो, कैसे अंदर बसा है ना शौचालय में? टट्टी करने क्या क्या हो? हाँ, दो दिन से पानी नहीं आया, सडम से पानी पानी हो जाएगा तो अंदर से बाहर आ जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप कुछ दो शब्द बोल दोगे जिससे मुझे सडम आ जाए। तेरे को इतने गालियां देती, तेरे को शर्म नहीं आती? उसमें तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपके घर वालों को। मुझे तो शर्म आएगी। जो गंदी बात बोलते सडम उसको आनी चाहिए। प्लीज कुछ बोल दे जिससे, प्लीज एक बात। आज चल तेरे को कहानी सुना। हाँ सुनाइए। सडम आएगी ना इससे? हाँ बिल्कुल शर्म आएगी, तेरे को बहुत शर्म। कड़िए कड़िए केशव, आया पानी? नहीं आया। अरे केशव से बहुत थोड़ी देर और रुक गया, दो दिन से आगरा। अच्छा जल्दी बताइए, मान ले तेरी शादी होगी, ठीक है? एक सेकंड, थोड़ा सडम तो आई है। पानी आ जाए, वाओ, शादी शादी की बात से ही पानी आ जाए सडम। अब तो और आगे सुन लिया, फिर और पानी आएगा। बराती आए, बराती चले गए, और तू बैठा अपने रूम पे, दूल्हन का दूध का गिलास दिया तेरे को दूल्हन ने। दूध का गिलास, ठीक है? ठीक है, दूध पिया तूने, ठीक है? उसके बाद तूने लाइट ऑफ कराया। एक सेकंड, ये तो बाहर आ रही है। धीरे से दुल्हन के पास जाकर तूने उसकी घूंघट उठाई। घूंघट उठाई? तूने देखा वो दुल्हन की जगह दूल्हा है, लौंडा है। हाँ, ये क्या कहानी हुई? कोई कहानी है? मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर वन शो विद इंडियाज नंबर वन आरजे। तेजस्वी ने फोन करके बउआ को एकदम अलग सा टॉपिक दिया। कहते हैं महाभारत का युद्ध जब हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच, तब बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। क्या ये युद्ध टाला जा सकता था? इसी पे बउआ और बैरागी जी ने क्या चर्चा करी, जरा सुनिए। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते भाई, कौन बोल रहा है? अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? और मैं नंदकिशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए युवा। कौन बोल रहा भाई? लगता है ये थोड़े थोड़े नींद में है, लेकिन ये चर्चा हर हफ्ते होती है भाई साहब। हेलो, मैं क्या करूँ? आप बस प्रतिनिधि बनिए, एक्सपर्ट बैरागी जी अपनी टिप्पणी इस पे देंगे। एक सेकेंड रुकिए। हेलो, मेरे को क्यों फोन मिला है? आप प्रतिनिधि हैं, जनता की तरफ से आपका कर्तव्य है इन चीजों को निभाना। नहीं भाई, मेरे को कोई कर्तव्य नहीं। दो मिनट लगेगा भाई साहब, दो मिनट प्लीज। चल फटाफट फटाफट। तो महाभारत की लड़ाई के बारे में आपने सुना है ना भाई साहब? तो बैरागी जी, सवाल ये है कि क्या महाभारत की लड़ाई रोकी जा सकती थी? देखिए, महाभारत काल में अगर आपको लेकर जाऊं, वो बहुत ही बड़ा। मेरे को कहीं नहीं जाना, तू मेरे को मेरे बिस्तर पे रहने दे, तुम्हें जहाँ जाना। अरे नजला है। एक सेकंड रुकिए, सुन लीजिए। महाभारत काल अपने आप में बहुत बड़ा काल था। वहाँ पर उस जमाने में महाभारत काल में बहुत महंगाई थी। अच्छा, एक एक तलवार पे टैक्स लगता था। कौन से टैक्स? ऋषि टैक्स लगता था। ऋषि जी? अभी तो कृषि लग रहा है। हाँ, वो जमाने में ऋषि लगता था। तो उस जमाने में जब पहली बार ये बात हुई कि युद्ध होने जा रहा है, सैनिक सेना तैयार हो रही है, हर तरफ बिगुल बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, तो ये लड़ाई
लड़ाई रोकी जा सकती थी। कैसे? ये मौका तब था जब द्रौपदी की बेइज्जती हुई, चीरहरण हुआ। उस वक्त सब मुद्दे पर आए और युद्ध शुरू होने जा रहा है। अगर द्रौपदी का विवाह अर्जुन से नहीं होता तो ये लड़ाई होती। लेकिन क्यों नहीं होता? अर्जुन ने तो मछली को तीर मार के जीता था। ये आज की मुख्य लाइन है कि अगर अर्जुन बंगाली होता, बंगाली अर्जुन होता, अर्जुन वो कभी भी मछली को तीर ना मार। क्यों? अरे बंगालियों को मछली पसंद होती है, सीधा खा लेता। खा लेता। अरे सलवार की और मेरी लड़ाई हो जाएगी। तो आपके तीर आंख में नहीं, मैं दे दूंगा। तो अगर अर्जुन जी बंगाल से होते तो मछली मारते नहीं, खा जाते न, द्रौपदी से शादी होती न महाभारत की लड़ाई होती। साले नींद परेशान कर दी, महाभारत की लड़ाई। आप इनका नाम क्या बेटा जी? इनका नाम है निमोनिया चौधरी। आप निमोनिया चौधरी हैं? तेरी मम्मी का नाम है निमोनिया चौधरी। नाम है बहुत ही। बस करिए, ये चर्चा यही खत्म होती है। निमोनिया चौधरी जी शुक्रिया। बस करिए बेटा, भावुक हो गया। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई बेटा? इस बार की चिट्ठी बहुत ही अजीब गांव है, त्रिपेचपुर। त्रिपेचपुर से? त्रिपेचपुर के गोल चक्कर के सामने वाली गली में। हाँ। प्रेस के कपड़े तह में लगाने वाली कुमारी अटैची श्रीवास्तव कहते हैं। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। अटैची जी एफसी रॉकिंग ही होता है। थैंक यू अटैची। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning number one, bear on that, on that. Morning number one, bear on that. Morning number one, bear on that, on that. Morning number one, bear aya aya aya. एक बार फिर बजाओ। सर्दी ने दस्तक दे दी है, इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास कैसे हो सकता है? क्या कोई घरेलू नुस्खा है? इसी बारे में हमने अपने एक्सपर्ट बैरागी जी के साथ चर्चा करी। कैसे? जरा सुनिए ऐसे। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बहुआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बहुआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता हैं, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने हो। इस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर जी हो, जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली है भाई साहब, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास। सर्दी में गर्मी का ऐसा किस विषय पर चर्चा करनी है? हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। प्रकाश देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ, वो है कि रजाई। रजाई? रजाई। भाई साहब आप लाइन पे हैं? आप बोलिए, सुन रहे हैं आपको। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर? भाई साहब गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे नहीं नहीं, उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैठागी जी? गाजर का मूल मंत्र यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। क्या? क्या? गाजर का हलवा। हलवा 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 हलवा। इतना मत चिल्ला, कैसे वो फट जाएगा गला। गला बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? ये दो चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं, एक तो एनजीटी जो कि प्रदूषण को दूर करती है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी। आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ, उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है। हाँ। हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बेटा की जी? इतना गंदा बोल रहे हैं। मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाले हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। गंदा मत बोलिए, चर्चा यही खत्म। भैया बहुत बहुत गोटे बताइए। इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े, हाँ, अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर, वाह, उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। सिलीबिली जी एफसी रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटो की कहानी आएंगी राजको। इंडियाज नंबर वन आरजे रौनक ने बहुआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर वन शो विद इंडियाज नंबर वन आरजे। मॉर्निंग नंबर वन, रौनक, रौनक, मॉर्निंग नंबर वन।
भाई सोनल जी ने बउआ को ट्विटर पे कहा कि मेरा पति सचमुच परमेश्वर है। तो मैंने यानी बउआ ने कहा कि ठीक है कड़वा चौथ पे ये चेक भी कर लेते हैं कि आपकी बात कितनी सही है। सोनल जी आप लाइन पे है ना? हाँ जी बिल्कुल। आपको सही में लगता है आपका पति परमेश्वर है? जी बिल्कुल है। सिर्फ आज के दिन के लिए या हमेशा से? वो हमेशा से है और हमेशा ही रहेंगे वो पति परमेश्वर। अच्छा फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो? बिल्कुल नहीं होते। चलिए मैं उनको नंबर मिलाता हूँ। हेलो ये आदित्य जी बात कर रहे ना? हाँ आदित्य बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे एक मिनट चाहिए था। अच्छा चलिए बताइए। कड़वा चौथ का व्रत है? कड़वा चौथ होता है भाई, कड़वा चौथ नहीं होता। कड़वा चौथ? अच्छा नहीं नहीं, जिनका पत्नी के साथ नहीं जम रहे उनके लिए तो कड़वा चौथ। और कुछ? और नहीं, और तो नासा को चांद पे पानी मिला था ना, इंडियन औरतों की वजह से मिला था, पूछो कैसे? कैसे? अरे चढ़ाती है ना आज कड़वा चौथ पे चांद को पानी, तो वही। अरे यार देखा मैंने बोला था ना आपको, वो कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं। एक और ट्राई करता हूँ मैम। मैं भाई साहब गलती से कॉल ड्रॉप हो गया था शायद। भाई जल्दी बोलना। मैं कह रहा हूँ पूरी इंडिया में मोबाइल कंपनी को 2000 करोड़ का घाटा हुआ, पता है कैसे? कैसे? कड़वा चौथ की मेहंदी हाथ में लगे होने के कारण औरतों ने 4 घंटे तक व्हाट्सएप यूज नहीं किया। कितनी अच्छी बात है, अब बस हो गया। अरे मैंने आपको बोल रही था क्यों नहीं होते फर्स्ट एक लास्ट। हेलो भाई साहब कॉल ड्रॉप। चाहता क्या है, क्या चाहिए इधर को? भड़क क्यों रहे हैं आप? मैं उन एक सेकंड मैं उन जेंट्स को भी कड़वा चौथ की बधाई देना चाहता हूँ जो लेडीज बन के फेसबुक पे बैठे हैं। सदा सुहागन वही आके मारूंगा तेरे को। क्या हमारे समझ में नहीं आती तेरे को? पता नहीं कहाँ से आया गंडा बोल रहे हैं आप। तो फोन तो काट रहा है, नहीं काट रहे गंडा मत बोल। और एक बार अगर आपने गंडा बोले ना मैं बोल दूंगा उनसे। चले जा चले जा, जिससे बोलना बोल दे। जी मैंने कहता था सोनल जी। आदित्य मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसे भी बात करते हो। मैं बोल रहा था ना परमेश्वर तो है, अंदर छोटा जानवर भी है। I'm sorry, it's really embarrassing. नहीं, जब वो आज रात को आए और अगर बड़ा गिफ्ट लाए तो आटे की चिन्नी से देखना और छोटा लाए तो चाय पत्ती की। इंडिया नंबर वन आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए, लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning number one, bear on that, on that. Morning number one, bear on that. Morning number one, bear on that, Morning number one, bear on that. एक बार फिर बजाओ। पीयूष ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया, कहते हैं कि आज का जमाना ऐसा हो गया है कि सच क्या है और झूठ क्या है इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। क्या बउआ पता लगा सकते? सुनिए बउआ ने क्या किया। मासिक शुल्क 36 रुपए, डाउनलोड चार्जेस 15 रुपए, 90 दिनों के लिए। हेलो, जब कॉलर ट्यून पूरी नहीं सुनानी है तो फिर 15 रुपए मासिक शुल्क देकर क्यों आपने काम खराब किया? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई देवी, नमस्कार। फिर क्या जाता? सच कड़वा होता है ये जानना चाहता हूँ, है कि नहीं? हाँ होता है भाई। यानी झूठ मीठा होता है? हाँ ये भी हो सकता है। यानी मीठा झूठ है? तो ये मेरे से क्या चाहता है, तो मीठा झूठ हो कड़वा झूठ हो मेरे। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ मीठा झूठ होता है, यानी रसगुल्ला झूठ है, एक सफेद झूठ। रस मलाई, बर्फी, कलाकंद, ये भी झूठ है। और मेरे से क्या चाहता है? यानी यानी दिवाली होली लोग जब एक दूसरे को मिलने जाते हैं तो 1 किलो झूठ लेके जाते हैं। अरे ये मेरा दिमाग मत खराब कर तू। तुम जब पैदा हुए थे तुम्हारे पिताजी ने झूठ बांटा था, किसी के घर जाओ तो सबसे पहले प्लेट में चार जाते हैं, पानी के साथ झूठ दिया जाता है जिससे कि झूठ खाया जा सके। काट दिया। डाउनलोड चार्जेस 15 रुपए, 90 दिनों के लिए। कट गया था शायद फोन। मतलब मैं कह रहा हूँ कोयल जो गाती है वो झूठा गाती है। आगरा में जो पंछी पेठा मिलता है वो पंछी झूठा है, क्योंकि पेठा झूठा होता है और पंछी कोयल होती है और कोयल भी मीठा गाती है, नहीं झूठा गाती ना कि मैंने पहले भी। अगर बुरा बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, अगर आप सदाफत से बात कर सके। प्लीज सुनिए आखिर मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। रसगुल्ला, छेना मुड़की, आप मुझे अग्रवाल जी का नंबर दे दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा।
अरे कौन अग्रवाल उन्हीं के नाम से दिल्ली के कोने कोने में झूठ बिक रहा है। अरे कैसे बिक रहा है ये तो बता। अभी बताया ना रसगुल्ला घेवर छेना मुर्गी मीठा झूठ। तो मीठे अग्रवाल उनसे क्या लेना, उन्हीं की तो दुकान पे बिक रहा है। सुनिए एक और अब थोड़े चेंज एक अलग सुनाता हूँ।